वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। और आप लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं CP30 के मेंटेनेंस के बारे में। तो अभी हमारे यहाँ पे जो बैचिंग प्लांट है, इसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी जो अब मेंटेनेंस होने वाली हैं। टाइल्स भी होगा, लाइनर भी होगा, और उस वो होगा इनर लाइनर होगा, आउटर लाइनर सही है। और इसमें जो भी आर्म के काम है वो भी होंगे, तो वो सब कुछ आपको बताएंगे वो किस प्रकार से होगा। और इसके आगे जो स्क्रैपर का भी काम होना है, स्क्रैपर भी सही वर्क में नहीं चल रहा है, तो उसके बारे में भी आगे आपको बताएंगे। तो अभी जो हमारे पास जो पार्ट आए हैं वो क्या क्या हैं जिसको हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रैपर का ड्रम देख रहे हैं, स्क्रैपर का ड्रम है। और यहाँ पे सीलिंग सेक्शन है जो मिक्सर के ये आउटर साइड पे लगता है, यहाँ का है। और जो रोटर प्रोटेक्शन है रबड़ का वो भी है। और इसमें जो टाइल्स है, जो भी इसके काम होने हैं आगे वन बाय वन आपको वीडियो मिलेगा, इसके जो प्रोसेस है जो मेंटेनेंस का है। तो जो ये मोटर का रोटर कैप होता है फाइबर का, तो वो भी डैमेज हो गया था, तो उसे भी मंगाए हैं, तो वो भी चेंज होगा। और ये डिस्चार्ज रबड़ है जो कंक्रीट डिस्चार्जिंग का लिए है। तो इस प्रकार से, और जो अभी टाइल्स है वो अभी लाए नहीं है, रखा हुआ है। और बॉटम प्लेट सब खोल दी गई है, और इनर लाइनर आगे वो रखा हुआ है यहाँ पे, तो उसको इनर लाइनर चेंज करेंगे, आउटर लाइनर सही है। तो आगे जैसे ही कंप्लीट होगा प्रोसेस, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे आगे की वीडियो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के साथ। धन्यवाद।